गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ वैशाली मित्तल। सो गाइस, हमने अपनी PT365 आर्ट एंड कल्चर की मैगजीन स्टार्ट करी थी। जो बच्चे अगर मेरे साथ नए जुड़े तो मैं उनको बता दूं, हमने ऑलरेडी PT365 की इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल इशूज़, ये तीनों की कवर कर लिया और कल्चर हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पत्ताचित्र। अभी क्या है कि साइक्लोन फानी जो कि उड़ीसा में आया था, उसकी वजह से जो पत्ताचित्र आर्ट के कुछ पीसीज थे वो क्या हो गया, डैमेज हो गए हैं, ठीक है, इन द कोस्टल विलेजेस ऑफ उड़ीसा। अब पत्ताचित्र आर्ट के बारे में रखते हैं, पहली बात तो ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड है, स्क्रॉल पेंटिंग आर्ट है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स यही हैं कि इसमें क्या है, हम मेनली पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करते हैं, या इसकी पेंटिंग की जो टेक्निक बहुत अच्छी है और इसके कलर्स हैं उनमें भी कुछ अलग है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं वो मेनली जो वहाँ की कम्युनिटी है, उड़ीसा की महापात्रस कम्युनिटी, एक कास्ट है, वो ही इस पेंटिंग को मेनली करती है, पत्ताचित्र को। अब ये एक इम्पोर्टेंट आर्ट भी इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें क्या है, मेनली लॉर्ड जगन्नाथ को क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, उनकी ऑर्नामेंटेशन, उन्हें बहुत सजाया जाता है, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ, आपको पता है उड़ीसा में जो पुरी है वहाँ पर जगन्नाथ पुरी है, ठीक है, तो वहाँ उसी को ये करते हैं पत्ताचित्र आर्ट में, भगवान को ये क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। अब आर्टिस्ट क्या करते हैं ना ही पेंसिल यूज़ करते हैं, ना ही कोई चारकोल यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए। पत्ताचित्र आर्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वो पहले बॉर्डर्स को कंप्लीट करते हैं पेंटिंग में, फिर उसके बाद जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, चारकोल फायर या लैक्वर के ऊपर रख देते हैं, जिससे क्या होती है, वो पेंटिंग वाटर रेजिस्टर बन जाती है और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब कि बहुत लंबे समय तक वो चलती है। ये डिसिप्लिन आर्ट है, इसमें मेनली जो पेंटर्स हैं वो अपने कलर्स के यूज़ में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी मेंटेन करते रखते हैं और कलर्स को एक सिंगल टोन में ही रेस्ट्रिक्ट रखते हैं। थीम क्या है, मेनली मैं आपको ऑलरेडी बताई चुकी हूँ कि लॉर्ड जगन्नाथ के टेंपल को डिपिक्ट करते हैं, उनके ब्रदर बलराम, उनकी सिस्टर सुभद्रा और कृष्ण लीला, या लॉर्ड विष्णु जी की जो भी स्टोरीज़ हैं, या फिर मिथोलॉजिकल हमारी फोल्क स्टोरीज हैं, पंचतंत्र की, पुराणास की, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, इन सब स्टोरीज़ को क्या करते हैं, वो इस आर्ट में शो करते हैं। अब ये देखते हैं वो क्राफ्ट मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, जो मेनली वो कलर्स यूज़ करते हैं ना, वो मटेरियल कहाँ से लेते हैं, या वेजिटेबल से, या अर्थ से, या मिनरल सोर्स से। जो गम होता है वो मेनली वो केथ के ट्री से लेते हैं, जो इसका चीफ इंग्रेडिएंट होता है, जो मेनली वो बेस में यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट पिगमेंट्स बनाते हैं। वाइट कलर को वो मेनली कॉन्च शेल से बनाते हैं, रेड कलर को मेनली हिंगुला से बनाते हैं, येलो को मेनली हरिताल स्टोन से बनाते हैं, ब्लू को रामाराजा, ब्लैक को मेनली लैम्प ब्लैक या कोकोनट शेल से बनाते हैं। अब हमने देखा है कि टाइम के साथ साथ पत्ताचित्र आर्ट में काफ़ी ट्रांजिशन देखने को मिला है, और अब वो पहले सिर्फ ट्रेडिशनल क्लॉथ पे वो डिज़ाइन करते थे, लेकिन अब वो देखने को मिला है सिल्क पे भी यूज़ करते हैं, और पाम लीव्स पे भी क्या करते हैं, पत्ताचित्र आर्ट बनाते हैं। और ये इतने डेकोरेटिव होते हैं कि आप इसको अपनी वॉल हैंगिंग्स पे भी यूज़ कर सकते हो, शो पीस की तरह भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी जब उड़ीसा गई थी, पुरी गई थी, तो मैं भी इस विलेज में होके आई थी, और वहाँ पे क्या है, वो नारियल पे भी क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ बनाते हैं, इवन इतनी बड़ी बड़ी बेडशीट्स होती हैं, साड़ीज़ भी होती हैं इवन की, तो वो उसमें वो पेंटिंग करते हैं। तो अभी देख लेते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। रघुराजपुर है जो कि पूरी उड़ीसा का है, इसको एक हेरिटेज विलेज के लिए आइडेंटिफाई किया गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वर्क होता है पत्ताचित्र आर्ट का। ये पेपर मास से लेके वुडन क्रेविंग्स तक पे क्या बनाते हैं, ये आर्ट को परफॉर्म करते हैं। और स्टेट्स की भी है कुछ स्क्रॉल पेंटिंग जो कि फेमस है, जैसे आंध्र प्रदेश में कलमकारी, बंगाल में कालीघाट पथ, राजस्थान में फात पेंटिंग, तेलंगाना में चेरियाल पेंटिंग, और राजस्थान में पिकवाई पेंटिंग। आगे पढ़ते हैं बगड़ू ब्लॉक प्रिंटिंग। अभी क्या यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया तीतन वाला म्यूज़ियम कहाँ पे इनोग्रेट किया, बागरू राजस्थान में है। इसमें क्या है कि जो छिपा कम्युनिटी मेनली जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या करती है तो उनको उनके जो टैलेंट है उन्हें शोकेस किया जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पत्ताचित्र आर्ट को मेनली महापात्रा कम्युनिटी करती है, उसी तरह जो बागरू ब्लॉक प्रिंटिंग है उनको मेनली राजस्थान की छिपा जो कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है। अब बागरू ब्लॉक प्रिंटिंग में देख लेते हैं, ये भी ट्रेडिशनल टेक्निक है प्रिंटिंग की। इसमें क्या करते हैं, नेचुरल कलर की यूज़ किया जाता है छिपा कम्युनिटी के द्वारा, जो कि बागरू विलेज ऑफ राजस्थान में है। ट्रेडिशनली इसमें जो मोटिव्स का मतलब क्या है, इसमें कुछ वाइल्ड फ्लावर्स, बर्ड्स या लीव्स या ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को प्रिंट किया जाता है, लार्ज और बोल्ड लाइन्स में प्रिंट किया जाता है। जो मेनली जो कलर्स यूज़ करते हैं वो रेड एंड ब्लैक करते हैं। कुछ और स्टेट्स की हम देख लेते हैं जो ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग है, गुजरात की अजरक प्रिंट, राजस्थान की संगानेश्वरी अजरक दाबू, मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट, भेड़ोगार प्रिंट, और आंध्र प्रदेश में कलमकारी।
कैलकटा, सेरमपुर में वेस्ट बंगाल, वाराणसी एंड फरुखाबाद उत्तर प्रदेश आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए गाइज, अगर आपको आर्ट एंड कल्चर लगता है या नितिन सिंघानिया में पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो अगर आप इसे करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं और ये थोड़ी थोड़ी स्टैटिक नॉलेज अगर आप ये गेन करते रहते हैं ना, तो आपको इतना लॉस नहीं होगा उस अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी तो। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आर्ट फॉर्म्स हैं। जो पिथोरा पेंटिंग हैं उसके आर्टिस्ट अभी कंडक्ट की गई है पहली वर्कशॉप। पिथोरा पेंटिंग्स के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने फर्स्ट एवर वर्कशॉप को कॉन्टैक्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम ओवर 45 स्कूल्स दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया है। 45 स्कूल में पिथोरा के होते हैं, एक रिचुअल पेंटिंग है जो कि वॉल्स पे की जाती है। ये मेनली ट्राइब्स करते हैं, कहाँ के, गुजरात और मध्य प्रदेश के ट्राइब्स करते थे, रथवाड़ा, भिल, नायक्स ये करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेनली ये करेक्टराइज करते हैं जो 7 हॉर्सेस को, इस पेंटिंग में ये मेनली 7 हॉर्सेस को डिपिक्ट बनाते हैं जो रिप्रेजेंट करता है 7 हिल्स को। 7 हॉर्सेस किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 7 हिल्स को जो गुजरात और मध्य प्रदेश को क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं। ठीक है, तो इनकी ये क्या, ये एवरीडे लाइफ में भी करते थे, वेडिंग फेस्टिवल और सेलिब्रेशन में भी ये क्या करते हैं, उनकी इमेजेस को ही शो करते हैं। सुलावेसी आर्ट, अभी क्या बताया इन्होंने कि ये जो केव पेंटिंग है जो कि इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में मिली है, डिस्कवर की गई है, जो ये डिपिक्ट करती है कि हम जो मॉडर्न रिलीजियस कल्चर हुआ उसके बिगनिंग किस तरह से हुई। ठीक है, जैसे आप सोलर सिस्टम में पढ़ते हो या सन कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट हुई या प्लैनेट की कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट हुई ये सब पढ़ते हो, तो जो अभी सुलावेसी आइलैंड में जो एक केव पेंटिंग जो अभी मिली है, डिस्कवर्ड हुई है, वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरह जो मॉडर्न रिलीजियस कल्चर है उसकी बिगनिंग कैसे हुई है। ये केव पेंटिंग है जो कि इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में मिली है, इसमें ह्यूमन लाइक फिगर्स भी हैं, हंटिंग एनिमल्स भी है। इस पेंटिंग को 2017 में मिली थी लाइमस्टोन केव में और ये माना जा रहा है कि ये 44,000 ईयर्स पुरानी है और इसमें मेनली यूरेनियम सीरीज की एनालिसिस की हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ डांसिंग और म्यूज़िक देख लेते हैं। गाइस, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। असामीज भयोना, अभी क्या है, जो भयोना आर्टिस्ट है, देखो असम की भयोना है, ये मेनली डांस ग्रुप है या थिएटर परफॉर्मेंस करते हैं ये तरह की, तो ये जो भयोना ग्रुप के आर्टिस्ट हैं उन्होंने अबू धाबी में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या किया, परफॉर्म किया है, जबकि इनकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वो ब्रज वाली है। ठीक है, और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में परफॉर्म किया है। भयोना क्या है, एक मिथोलॉजिकल बेस्ड थियरेटिकल परफॉर्मेंस है जो शंकरा देवा के द्वारा क्रिएट की गई थी। जो भयोना के प्लेज होते हैं उन्हें वैसे अंकिया नाच भी बोलते हैं और उनके स्टेजिंग को भयोना बोलते हैं। भयोना में मेनली क्या, 40 से 50 लोग होते हैं, वो डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, डायलॉग्स भी बोलते हैं और जो परफॉर्म करते हैं एक्टर्स, उनमें बहुत अच्छे उन्होंने कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, भयोना में क्या होता है, मेनली जो अटायर होता है उनका वाइट कलर का होता है और एक्टर्स को मतलब कि कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे से मतलब कि ऑर्नामेंट उनको किया जाता है और हर एक्टर, किसी को किंग बनाया जाए, क्वीन बनाया जाए, किसी को डेमोन भी बनाया जाए अगर राक्षस या एनिमल, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। ये मेनली जो डायलॉग्स हैं वो ब्रज वाली में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने आबूधाबी में परफॉर्म किया तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में किया है। ठीक है, जो मेन ड्रामा है वो जनरली प्रोसीड किया जाता है बाय द परफॉर्मेंस ऑफ ज्ञान बयान। ये एक म्यूज़िकल होता है जिसमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी गए होते हैं, जैसे खोल, ताल, दोबा, नगारा, इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्रिएट किया गया था शंकरा देवा ने ही, फिर डिफरेंट हार्ड एंड फास्ट सीक्वेंसेस। ठीक है, ब्रजवाली क्या है, ब्रजवाली एक स्पेशल लैंग्वेज है भयोना की जो कि शंकरा देवा ने क्रिएट की गई थी। इसे इसलिए क्रिएट की थी शंकरा देवा ने क्योंकि जो संस्कृत थी जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी एक आम आदमी के लिए, तो शंकरा देवा चाहते थे कोई ऐसी लैंग्वेज बोली जाए ड्रामा में जो भी उनके असामीज के जो लोग हैं वो एक दूसरे से क्या कर सके, कनेक्ट हो सके। ठीक है, शंकरा देवा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। जो आसाम शंकरा देवा हैं वो असामीज के सेंट हैं, स्कॉलर हैं, पोइट हैं, प्लेराइट हैं, सोशल रिफॉर्मर भी थे और असम में इन्होंने वैष्णविज्म को फाउंड भी किया था। देखो अगली लाइन और भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही इंस्पायर्ड द भक्ति मूवमेंट इन असम। ये पूछ लेते हैं कि असम में कौन भक्ति मूवमेंट लाया या फिर डिफरेंट स्टेट्स का पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि असम में भक्ति मूवमेंट ये शंकरा देवा लाए थे और इन्होंने पीपल को यूनाइट किया था विद न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट एका शरण नाम धर्मा। ठीक है, शंकरा देवा ने असामीज लैंग्वेज को काफ़ी एनरिच किया उनके लिटरेचर को थ्रू हिज पोएट्री, ड्रामास एंड सॉन्ग। ये फादर ऑफ असामीज क्लासिकल डांस भी हैं, सत्रिय डांस। ये आपको पता होना चाहिए हमारे कितने क्लासिकल डांस हैं, आई थिंक 8 क्लासिकल डांस हैं, तो सत्रिय डांस के ये फादर भी माने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए सत्रिय डांस के फादर कौन है, दैट इज़ शंकरा देवा। और कुछ परफॉर्मिंग आर्ट देख लेते हैं, गटका।
गटका किया एक एंशियंट मार्शल आर्ट है पंजाब में। गटका का मतलब ही होता है वुडन स्टिक, जिसे खुटका बोलते हैं ट्रेनिंग में। इसे ओरिजिनेट किया था सिक्स्थ गुरु गुरु हरगोबिंद जी ने, जब उन्होंने किरपान अडॉप्ट की थी फॉर सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग द मुगल ईरा। कलारी पायटू क्या, ये भी एक ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये केरला की है। ये कहते हैं ओरिजिनल 3rd century BC में हुई थी। कलारी पायटू टेक्निक में क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है स्टेप्स का, पोस्चर्स का। यक्षगंगा क्या, ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है किसी कर्नाटका की। ये भी मिथोलॉजिकल स्टोरीज पे या पुराणों पे बेस्ड है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एपिसोड है जैसे महाभारत या रामायण की। इसमें क्या होता है, डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टेज टेक्निक्स, यूनिक स्टाइल फॉर्म, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। यक्ष का मतलब होता है डेमी गॉड और गाना का मतलब होता है सॉन्ग। तो इसे भी बिलीव किया जाता है कि ये 15th century या 11th से 15th century के बीच में ओरिजिनेट हुई ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, खोन रामलीला, ये अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है खोन रामलीला, क्योंकि इसमें क्या है ना, इंडिया का एक डिपार्टमेंट इंक्लूड हो गया। जहाँ पे कोई इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाता है ना, तो वो थोड़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। खोन रामलीला में क्या है, रिसेंटली जो है जो कल्चर डिपार्टमेंट है यूपी गवर्नमेंट का, किसका, यूपी गवर्नमेंट का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, उसने कंट्री का फर्स्ट ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस प्रोग्राम को खोन रीला को कोलैबोरेशन किया, किसका, थाईलैंड की गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए, या तो आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि यूपी गवर्नमेंट ने किस और गवर्नमेंट के साथ कोलैब किया, तो ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या ये पूछेंगे कि थाईलैंड गवर्नमेंट का किस स्टेट ने क्या क्या कोलैब किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो खोन मास डांस और ड्रामा है थाईलैंड का, ये परफॉर्मिंग आर्ट है जिसके अंदर डांस मूवमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं कुछ, आप वोकली भी बोलते हो, और ग्राफिक ग्लिटरिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं। ठीक है, जो रामा की, जो राम हमारे भगवान राम है, उनकी ग्लोरी को डिपिक्ट करता है। इसमें खोन रामलीला में क्या, कोई भी डायलॉग्स नहीं बोलता, क्या बोलता है, नो डायलॉग्स, डायलॉग्स नहीं बोलता, बस पीछे बैकग्राउंड में एक वॉइस बजती रहती है जो सारी की सारी रामायण की पूरी स्टोरी को क्या करती है, नरेट करती है। ठीक है गाइस, जो खोन रामलीला थाईलैंड है, इसको यूनेस्को के इनटेंगेबल कल्चर हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है यूनेस्को कल्चर हेरिटेज में भी दो होते हैं, टेंगेबल होते हैं, इनटेंगेबल होते हैं। टेंगेबल वो चीज़ होती है जिसको आप छू सकते हो, जैसे कोई मॉन्यूमेंट हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सिकरी, ये सारे टेंगेबल वर्ल्ड हेरिटेज। इनटेंगेबल में वो आते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, कोई म्यूजिक आ गया, कोई डांस आ गया, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें के मतलब इनटेंगेबल में आती हैं। आगे चलते हैं मल्लाकंभा। मल्लाकंभा क्या है, एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है जिसमें कि जो जिमनास्ट होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, पोज करता है, किसके साथ, एक वुडन पोल के साथ या रोप के साथ। ठीक है, इसे वर्ल्ड आल्सो रेफर्स टू द पोल यूज इन द सपोर्ट। ये इसका जो ओरिजिन हुआ था वो 12th century में हुआ था, किसके द्वारा, जहाँ पे मनस उल्हास एक चालुक्य के द्वारा किया गया था 1135 AD में, लेकिन उसके बाद ये कुछ चला नहीं, बट इसको रिवाइव किया गया था 19th century में द्वारा, किसके द्वारा, बल्लम भट्टा देवधार के द्वारा, जो कि टीचर होते थे किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के। ये स्टेट स्पोर्ट भी है मध्य प्रदेश के। देखो इतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है और किसकी स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको ये बेसिक है। चलो थोड़ा और कर लेते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अभी क्या, रिसेंटली जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया और उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, अभी हमारे क्लासिकल लैंग्वेज में 6 languages है, और जो रिसेंटली जो ऐड हुई थी वो उड़िया हुई थी 2014 में। देख लेते हैं जो 6 languages हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल हुई थी 2004 में, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, उड़िया 2014 में हुई थी। तो इस तरह से 6 languages हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड हैं। अब जो सम्मेलन है वो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है मराठी राइटर्स की, जो कि 1878 में स्टार्ट हुई थी। सम्मेलन को हेड किया गया था मराठी के इंटेलेक्चुअल्स में, इंक्लूडिंग इसमें जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे भी थे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और बड़ौदा भी थे, और प्रहलाद केशव आचार्य अत्रे भी थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग अगर किसी लैंग्वेज को आपने क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करना है तो उसकी भी कुछ गाइडलाइंस है। पहली बात ये है कि पहली बात जो उसके टेक्स्ट या कोई भी रिकॉर्ड्स हैं उस लैंग्वेज के, वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराने होने चाहिए, इतनी हिस्ट्री होनी चाहिए, और जो भी एंशियंट लिटरेचर या टेक्स्ट हैं वो उनकी इतनी वैल्यूएबल हेरिटेज में होनी चाहिए कि जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं आप किसी और स्पीच कम्युनिटी से बोरो किया हो। उस क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर को डिस्टिंक्ट होना चाहिए मॉडर्न से, क्योंकि अभी मॉडर्न में क्या है, लोग कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज कुछ और बोलते हैं। द क्लासिकल लैंग्वेज एंड द लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न एंड देर में ऑल्सो बी अ डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑप्शन। अब अगर किसी लैंग्वेज को आप क्लासिकल लैंग्वेज में
ऐड करते हो तो उस क्लासिकल लैंग्वेज को क्या बेनिफिट मिलता है। पहली बात, एनुअली इंटरनेशनल अवार्ड दो मेजर दिए जाते हैं, मेनली जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस को जो स्कॉलर्स हैं उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। दूसरा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम स्टडीज़ का सेटअप करेंगे, ठीक है। UGC ने भी अवार्ड किया रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर प्रमोटिंग दीज लैंग्वेजेस एंड क्रिएट अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यही है कि भी सेंटर ऑफ लैंग्वेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इन क्लासिकल लैंग्वेज में सेटअप हुआ है। UGC ने भी कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए हैं जिससे हम इस लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकें, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं उर्दू। देखो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने प्रपोज़ किया कि हम ना जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैं और जो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है तो उनको मर्ज करेंगे। इस वजह से क्रिटिसिज्म हुआ कि यार उर्दू तो हमारी इंडिया की लैंग्वेज है तो आप उसको फॉरेन लैंग्वेज के मर्ज कैसे कर सकते हो। उर्दू के बारे में देख लेते हैं, उर्दू हमारी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर 8th शेड्यूल। आपको पता है 8th शेड्यूल में हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो उस 22 लैंग्वेजेस में एक उर्दू भी लैंग्वेज है। ये उन 15 लैंग्वेजेस में से भी एक है जो इंडिया के करेंसी नोट में लिखी जाती है। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है कुछ स्टेट्स में जैसे कश्मीर, तेलंगाना, UP, बिहार, न्यू दिल्ली और वेस्ट बंगाल। उर्दू मेन क्लोजली रिलेट करती है हिंदी से, इनकी फोनोलॉजी और ग्रामर सिमिलर है, मतलब कि बोलने में एक जैसी लगती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जो उर्दू लैंग्वेज है वो ओरिजिनेट उसका इंडिया में ही हुआ था 66 से या 13th AD में के बीच में। जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेज हैं वो इंडिकेट करते हैं जो ओरिजिन जो उर्दू हुआ था वो मेनली इंडिया के पंजाब स्टेट में हुआ था और जो मेन डायलेक्ट्स थे उर्दू के वो देहलावी और रेखता थे। डिस्पाइट इसकी जैसे पर्शियन स्क्रिप्ट है, जैसे अपनी हिंदी है उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट है, चाहे इसकी स्क्रिप्ट पर्शियन लेकिन उर्दू का एक इंडियन लैंग्वेज है बिकॉज देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस विच आर रिटन इन द स्क्रिप्ट्स डिराइव फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। उर्दू को जैसे उर्दू की इन्होंने बता दी पर्शियन स्क्रिप्ट है, नहीं तो उर्दू की एक पंजाबी शाहमुखी लैंग्वेज है वो भी इसके एक स्क्रिप्ट उसको राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे आपको पता होगा जैसे हम हिंदी ऐसे लिखते हैं तो उर्दू को इस ऐसे लिखते हैं, उसी तरह जो उन्होंने बताया जो पंजाबी शाहमुखी लैंग्वेज है उसको भी हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। पंजाब में ओरिजिन होने के बाद उर्दू मतलब कि एक्सपेंड हुई, दिल्ली में भी हुई, कहीं पे कुछ हरियाणा के कुछ पार्ट्स में भी वो फैली, इवन कुछ स्टेट्स ऑफ साउथ में भी फैली। तो वहाँ पे ये डेवलप हुई इन द फॉर्म ऑफ डेक्नी लैंग्वेज, ठीक है। जब वो साउथ में फैल गई तो उसे डेक्नी लैंग्वेज के रूप में ही वो फ्लरिश हो गई। आगे बढ़ते हैं इंडिजीनियस लैंग्वेज। 2019 को UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज बताया है। पपुआ न्यू गिना में हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजीनियस लैंग्वेजेज हैं, मतलब कि जैसे अपने इंडिया में कितनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेज हैं तो खैर पर इंडिया में से ऊपर पपुआ न्यू गिना है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेज हैं और वर्ल्ड में उसके बाद 840 लैंग्वेजेज हैं, जबकि इंडिया नंबर इंडिया फोर्थ रैंक पे आता है और इंडिया में 453 लैंग्वेजेज हैं। अमंग रीजन एशिया और अफ्रीका में देखा गया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस ओवर 70% ऑफ टोटल। अगर हम यूनेस्को के एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर के हिसाब से देखें तो 228 लैंग्वेजेस हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं 1950 के बाद से। 228 लैंग्वेज क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और 10% ऑफ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि वल्नरेबल हैं और अदर 10% ऐसी हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब कि ख़त्म होने की, आप उनके उनको बोलने वाले उन लैंग्वेजेस को बोलने वाले बहुत ही कम लोग रह गए हैं, ठीक है। 200 या 500 कुछ इतने ही लोग रह गए, तो इस वजह से यह काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल की कैटेगरी में। इंडिया में देखा जाए तो 5 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं 1950 से और जो 42 लैंग्वेजेस हैं वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ताकि जो ये लैंग्वेजेस हैं या फिर मदर टंग्स हमारी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया की, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। जो कि 10,000 लोगों से कम के द्वारा लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, और इसलिए लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर लैंग्वेज ऑफ इंडिया को ओपन किया है, ठीक है। इसमें क्या ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, मैसूर के बेस्ड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। कुछ इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। UGC ने भी क्या किया है, अभी स्कीम एक चलाई है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, जिसके अंडर जो सेंटर है वो 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोलेगा। UGC ने ऑलरेडी प्रपोजल इन्वाइट कर चुके हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी जी, आपको डिपार्टमेंट ऑफ देवनागरी लिपि भी एस्टेब्लिशमेंट करना है, जिसमें यूनिवर्सिटी देखेंगी कि आपको किस तरह से प्रिजर्व करना है डायलेक्ट्स को जो कहीं भी रिटर्न नहीं है स्क्रिप्ट देवनागरी में, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा है, ऐसे डाटा को ना आप अपने मतलब कि आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डाटा के अकॉर्डिंग देखो जो ऑनलाइन डाटाबेस एथनोलॉग, इसके
डाटा के अकॉर्डिंग ग्लोबली, अभी हम ग्लोबली ही बात कर रहे हैं, इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इंग्लिश रिमेन्स द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, फॉलोड बाई मंडारी सेकेंड लैंग्वेज है, वाइल हिंदी थर्ड लैंग्वेज है और बंगाली सेवन्थ लैंग्वेज है। और अब हम इंडिया के हिसाब से देखे जाएँ, इंडिया के हिसाब से अगर सेंसस 2011 के हिसाब से देखे जाए तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंडिया में, जिसमें 5 to 8 million पीपल हिंदी बोलते हैं। बंगाली 97.2 million पीपल बोलते हैं, मराठी 83 million, तेलुगु 81 million, तमिल 69 million, गुजराती 55.5 million, उर्दू 58 million। ठीक है, तो हमने ग्लोबली भी देख लिया कि ग्लोबली कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है और हिंदी का क्या रैंक है, और इंडिया में भी देख लिया कि इंडिया कौन कौन सी लैंग्वेज का क्या क्या रैंक है। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।